आजकल पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड चला हुआ है, हर कोई आपको ये करते हुए नजर आएगा। ये समझ से बाहर है, ये कौन सी प्लानिंग है, कौन सी प्रैक्टिस चल रही है, कौन सी रिहर्सल करके आते हैं जो आके यहाँ पे एक्टिंग शुरू कर देते हैं। ये मैंने सबसे पहले देखा आमिर जमाल में, फिर अब्दुल्ला शफीक में, उसके बाद फिर जनाब ये शाहीन शाहफरीदी में, और एक साहब अपनी टी शर्ट उतार के अपना नाम दिखा रहे हैं, एक साहब कुछ और एक्ट कर रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है या वर्ल्ड कप हम लोग खेल रहे हैं। मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। स्टैंडर्ड हमें भी पता है कि PSL का क्या है, वहाँ किस तरह के खिलाड़ियों को आप शॉट्स मार रहे हो, किस तरह के जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड। देखिए, किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट, इवन IPL का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से आप स्टैंडर्ड नहीं मिला सकते। IPL हो, PSL हो, या कोई भी हो। देखिए, IPL अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात की जाए ना, तो आपस में अगर मुकाबला करें तो IPL बहुत टॉप पे, उसके बाद आता है PSL। लेकिन अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो ना उसके मुकाबले में IPL आएगा, ना उसके मुकाबले में PSL आएगा। लेकिन जो खिलाड़ी इस वक्त PSL में इस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है कि क्या वजह बन रही है कि सब इतना भरम किसको दिखा रहे हैं, अपनी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में ये किसको शटअप कॉल दे रहे हैं, किसको? मेरी नहीं समझ में आ रही। क्या एक्स क्रिकेटर्स को शटअप कॉल दे रहे हैं, या जर्नलिस्ट को शटअप कॉल दे रहे हैं, या आवाम को शटअप कॉल दे रहे हैं? मेरी नहीं समझ में आ रहा। पहले आमिर जमाल ने कुछ 50-50 बनाए, उन्होंने यूं कर दिया। उधर अब्दुल्ला शफीक ने पूरी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में कैचेस ड्रॉप किए मौसूफ ने, और वो यूं कर रहे हैं। सही कोर्स सही कर रगड़ा वसीम अकरम ने एक टीवी शो में कि भैया तुम एक कैच लेके, ये औकात अभी कल का बच्चा है, अब्दुल्ला शफीक कल का बच्चा है, और आप कल के बच्चे हो, अभी पाकिस्तान टीम में पैर नहीं जमा है तुम्हारा, और तुम्हारी एक्टिंग देखो। आमिर जमाल अभी पहली टेस्ट सीरीज के लिए और डेब्यूट किया है, और एक्टिंग देखो। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 के, और मौसूफ को यू कर रहे हैं। मेरी एक वीडियो आपने देखी होगी, मुझे उस पर बहुत उस पर बड़ा गुस्सा आया था कि चलो अब्दुल्ला शफीक कर रहा था, आमिर जमाल कर रहा था, वो कप्तान नहीं है, और ये तो चलो अभी आए हुए कल के बच्चे। आप तो कितने सालों से, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 साल से तो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, और आपको T20 का कप्तान बनाया गया, अभी तक आप में वो मेच्योरिटी नहीं आ रही। अगर अब्दुल्ला शफीक ने किया था या आमिर जमाल ने किया था, तो आप तो कम से कम अपने आप को दिखा दे। तो मुझे उस टाइम पे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा यार मुझे शाहीन शाहफरीदी ने ऐसी हरकत की, मुझे शॉक लगा कि भाई व्हाट द हेल आर यू डूइंग, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, वो तो कल के बच्चे थे, तुम तो सीनियर आदमी हो, तुम तो मिच्योरिटी शो करो, तुम तो टीम के कप्तान हो, तुमको तो लेके चलना है इन खिलाड़ियों को, तुमको तो इन खिलाड़ियों को समझाना है कि जनाब इस तरह की हरकतें नहीं चलती इन क्रिकेट में। खैर, अब ये चीज़ शाहीन शाहफरीदी साहब ने भी कर दी, अब वो गलती से उनसे 50 हो गई या जिस तरह भी हो गई, चलो यार 50 ही हुई थी ना, तुमने कोई वर्ल्ड कप तो नहीं जीत लिया था ना, इस तरह के एक्ट करने की क्या जरूरत है, किसको शटअप कॉल दे दी? मैं शाहीन शाहफरीदी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जनाब आपने जो ये 50 मारी, आप ये करके जो ग्लव से मुंह बंद करा रहे थे, किसको किसको शटअप कॉल दे रहे थे? मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। आवाम को दे रहे थे, एक्स क्रिकेटर्स को दे रहे थे, मीडिया को दे रहे थे, किसको दे रहे थे? अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं इस बारे में। और अगर आप किसी को भी दे रहे थे, XYZ जिसको भी दे रहे थे, आपसे ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना है कि ठीक है आपने अगर 50 मार दी तो कोई तुर्रम खान वाली बात नहीं होगी कि आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। मैं कह मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ, मैंने 50 मार दी। अगर हम बस चंद महीना पहले की बात दिखाएं तो आपकी पूरी पिक्चर आ जाएगी। शाहीन शाहफरीदी साहब वो ये है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 से आपकी कप्तानी में हारे, टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हुई, आपने देखा, क्या आपने परफॉर्मेंस दी, क्या अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्मेंस दी? मैं सबकी बात करूंगा। आमिर जमाल की परफॉर्मेंस वहां अच्छी रही, लेकिन आमिर जमाल की परफॉर्मेंस 4-1 सीरीज जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा, वहां वो वैसी नहीं रही। फिर आमिर जमाल तो टीम का हिस्सा नहीं थे। फिर आप आ जाइए ओडाई वर्ल्ड कप में, ओडाई वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस थी आपकी? अब्दुल्ला शफीक भी सामने है, शाहीन शाहफरीदी भी सामने, फिर कहने की जरूरत नहीं है। फिर एशिया कप, तो भाई ये एक एक पूरा कंटिन्यू प्रोसेस दिखा चला आ रहा है आपका, माजी का भी, पीछे तो मैं जा ही नहीं रहा, बिल्कुल आप सामने सामने कटा कटा 4-6 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको।
ये तो आपकी परफॉर्मेंस है। अब अगर थोड़ी बहुत भी परफॉर्मेंस PSL में आपकी अच्छी हो रही है, जो कि इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता, तो फिर आप कैसे अपने आप को इतना तुर्रम खान बन गए कि शट अप कॉल दे रहे हैं आप सबके सब, चाहे वो शाहिन शाह अफरीदी हो, चाहे वो आमिर जमाल हो, चाहे वो अब्दुल्ला शफीक हो, या जो भी XYZ हो, या अगर इमाद वसीम भी टी शर्ट दिखा रहे हैं, अगर कोई क्राउड में बाबर बाबर का नारा लगा रहा है, तो इट डजेंट मीन कि आप अपने टी शर्ट उतार के दिखा दो, बोल आप भी बाबर को सपोर्ट करो यार, बाबर आप ही की टीम का हिस्सा है ना, आप ही के मुल्क का हिस्सा है ना, कोई दुश्मन तो है नहीं। अगर आपने दुश्मन समझ लिया, देखिए लाइकिंग डिसलाइकिंग पर्सनल जेलसी को साइड में रखना चाहिए हमेशा, क्रिकेट है, जब आप क्रिकेट के लिए उतरो तो क्रिकेट को सपोर्ट करो, क्रिकेट की तरह खेलो, फिर आप ये इस तरह की एक्ट से आप अपना खुद मजाक बनाते हो। अब्दुल्ला शफीक ने कैचेस छोड़े हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, टेस्ट सीरीज में, और उसके बाद अगर स्लिप पे कैच ले लिया तो इस तरह की बदतमीजी, इतनी ये सब चीज़ें ना बदतमीजी में काउंट होती है, किसी अच्छेपन में नहीं काउंट होती है। वसीम अकरम का बयान आपने सुना होगा, एक्स क्रिकेटर्स का बयान सुना होगा आपने, सेम विद गोस टू आमिर जमाल, सेम गोस टू विद शाहिन शाह अफरीदी, इस तरह की एक्ट नहीं करें। आप ऐसे करेंगे तो अभी आपने लोग पैर नहीं जमाए पीछे, जो लोग अभी दिनों ने डेब्यू नहीं किया वो क्या करेंगे, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा। मुझे डर ये लगता है कि वो जो नाफे जिसको इतना भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कल को नाफे डेब्यूट कर ले, उसके बाद फिर अगला PSL खेले तो वो पता नहीं, यहाँ तो यूं कर रहे हैं वो तो पता नहीं कौन कौन से इशारे करने लग जाए, वी नेवर नो। अभी मैं एक अजम्पशन में बात कर रहा हूँ, किसी भी इल्ज़ाम थोड़ी लगा रहा, लेकिन देखते हैं ना कि खरबूजे को देख के वो रंग पकड़ता है वाली बात है ना, कि आप जैसा करोगे वैसा जूनियर एक्ट करेंगे, ये एक नॉर्मल सी बात है। आपकी एक्ट्स पे जूनियर रिस्पॉन्ड करेंगे, कप्तान की एक्ट्स पे टीम परफॉर्म रिएक्ट करेगी, कप्तान में मैच्योरिटी होगी, कप्तान एक सुलझावा एक तमीज़ का नज़र आएगा, तो फिर टीम भी वैसे ही एक्ट करती हुई नजर आएगी। अगर कप्तान ही इररिस्पॉन्सिबल इमेच्योर एक्ट करेगा तो टीम को कौन संभालेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। और इसी तरह अगर सीनियर इमेच्योर नजर आएगा तो जूनियर जो भी जिसने डेब्यूट नहीं किया है पाकिस्तान की तरफ से, वो किस तरह की परफॉर्म, वो किस तरह की एक्ट करेगा जब वो जिसको अगर उसको डेब्यूटेड मिल गया, डेब्यूट में करना मिल गया और डेब्यूट में उसने अच्छी सा स्कोर कर दिया, उसके बाद क्या होगा। सो परफॉर्मेंस अलग रखिए, एक्शंस अलग रखिए। वो वसीम अकरम ने सही पूछा था कि यार ये मुझे बताएं कि ये क्या पहले से रिहर्सल करते हैं, अगर किसी ने 50 मारी है, सेंचुरी मारी है या विकेट हासिल किए, तो इस तरह के एक्शंस, क्योंकि वसीम अकरम ने कहा जब शोएब था हम थे सब, तो नेचुरल, ये तो एक नेचुरल एक्ट होता है कि एक नेचुरल खुशी का इजहार होता है उस टाइम, जिस तरह भी खुशी समझ लो, या तो सबका एक्शन ही एक तरह का है, सब ने वही मैंने आपसे कहा था ना, सब सीनियर को देख के सब एक्शन करते हैं। अब आप उसको देख लें, हसन अली का जनरेटर शुरू हुआ, उसके बाद फिर जो एहसानुल्लाह की अजीब कहानी शुरू हो गई, उसके बाद आप आमिर जमाल नजर आ रहे हैं, तो कहानी सारी डिफरेंट है। नैसे शाहिद अफरीदी अगर इस तरह हाथ दे रहा था तो वो नेचुरल था, अब शाहिन शाह अफरीदी कॉपी कर रहे हैं तो चलो यार उसका फैमिली मेंबर है, कर सकता है, नो प्रॉब्लम। शोएब अख्तर नेचुरल, वसीम अकरम नेचुरल, मुश्ताक अहमद वॉज नेचुरल, ठीक है, तो सबका नेचुरल होता है। तो इस पर मैं सुन रहा था एक टीवी चैनल पर, जिस पर उन्होंने सवाल पूछा, तो किसने मिसबाह ने कहा कि यार वसीम भाई आजकल टिकटॉक का ज़माना है, तो फिर बात वही हो जाती है कि सही बात है कि अगर टिकटॉक का ज़माना है तो फिर आप रिहर्सल करते होगे खिलाड़ियों, और उसके बाद फिर ये सब कहानियाँ चल रही। तो बस यही कहना था कि ये PSL है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं अलग से मैं पूरा शो करके बताऊँगा, पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि किसकी क्या परफॉर्मेंस सही PSL में, वो मैं आपको बताऊंगा। शाहिन शाह अफरीदी की अगर PSL में विकेट देखे ना, है तो 13, लेकिन शुरू की जो न्यू बॉल पे उसको विकेट चाहिए ना, वो उसने विकेटें नहीं निकाली हैं, उसने जब आखिरी में आके जो डेप्थ ओवर में अगर वो दो ओवर करा रहे ना, तो उसमें उसको विकेटें मिल रही हैं, लेकिन मैच फिनिशर नहीं है, मैच विनर नहीं है, बॉलिंग करा रहे वो टेल एंडर्स की विकेट निकाल लें, जहां उसको नई बॉल पे विकेट चाहिए शाहिन शाह अफरीदी को, पाकिस्तान टीम को चाहिए नए बॉल पे विकेट वाला बॉलर। शाहिन शाह अफरीदी को डैप में ना बॉलिंग ना उससे रन रोक पा रहे हैं, ना उससे मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो रही है, वो विकेट जरूर ले रहा है लेकिन मैच नहीं जीत रहा है। आपके सामने मिसाल है, जड़ दिया था, स्ट्रेट छक्का दे दिया था घुमा के, किसने, मोहम्मद वसीम जूनियर ने, फुल टॉस मार रहे हैं आप किसको, सऊद शकील को, उसने लेफ्ट पे आपको कट पर चार मार दिया। ये हालत है आपकी, लाइन भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, इस तरह कराने से कभी कोई कामयाब नहीं होता। इस पे तवज्जा दें,
बॉलिंग पे तवज्जो दें, बैटिंग पे तवज्जो दें, सबको कह रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा, तो ही बेहतर है, वरना इस तरह के एक्शंस कभी भी आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं करेंगे, खुद आप मजाक बन के रह जाएंगे। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।